एक उसका फीचर है पेटीएम बैंक, वो बंद हुआ है, पेटीएम इज नॉट क्लोजिंग। पेटीएम के ऊपर मुझे नहीं लगता कोई रिस्ट्रिक्शन होगा या उसके यूजेज में कुछ डिक्लाइन आना चाहिए। दैट इज जस्ट अ डिफरेंट सेगमेंट ऑफ देयर बिजनेस, राइट, नॉट देयर कंप्लीट बिजनेस। ट्रस्ट तो है पेटीएम में, हम तो रेगुलर यूजर ही है, ऐसा कुछ मैंने एक्चुअली पढ़ा था वो चीज, पर मेरे को इतना शायद फर्क नहीं पड़ा। पेटीएम ने ही हेल्प करी है हमारी कोविड में भी हर चीज में। बहुत ज्यादा अच्छा खासा इस्तेमाल होता है और रोजमर्रा काम होता है, मतलब जो टेनेंट आते हैं वो आउट ऑफ सेशन के होते हैं मेजरली, यहाँ पे स्टूडेंट्स का क्राउड ज्यादा है तो जिनको रूम्स का लेने हैं वो अब कोई कैसे कैश तो कैरी करता नहीं है, सब ऑनलाइन पेटीएम यूपीआई से यूज करते हैं हम लोग। कितना अगर आप डेली बेसिस पे देखा जाए तो कैश ऑलमोस्ट डेली ऑलमोस्ट 100% शायद ही 2-4% कोई कैश या चेक से करता होगा, बट 90-95% इज फ्रॉम पेटीएम और यूपीआई, इनसे ही होता है। तो आपने अभी सुना भी होगा, पता भी चला होगा आपको कि किस तरह से आरबीआई ने एक्शन लिया है पेटीएम बैंक, तो आपको क्या लगता है कि इससे इम्पैक्ट पड़ेगा जो आपका जो ट्रस्ट है पेटीएम के प्रति? नहीं, मुझे नहीं लगता कुछ मेरे ट्रस्ट पे कोई को हर्ट हुआ हूँ मैं कहीं से, बिकॉज मुझे लगता है कि शायद उसका एक फीचर हट गया है उससे पेटीएम बैंक। मुझे लग रहा है कि जो लोग सोच रहे हैं, जो बड़ी पिक्चर, जो शायद इस बात को शायद पूरा नहीं या न्यूज़ देखी है कुछ भी है, एक उसका फीचर है पेटीएम बैंक, वो बंद हुआ है, पेटीएम इज़ नॉट क्लोजिंग। पेटीएम तो चालू हुआ है, वो आप यूपीआई भी कर सकते हो, पेटीएम वॉलेट भी है, वो देयर आर सो मेनी अदर वेज ऑल्सो, तो यूपीआई सबसे सेफ है, बैंक टू बैंक चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। तो मुझे लगता है कि फीचर उसमें से हट गया तो कोई बड़ा कुछ मेजर कुछ कॉस्ट में मेरे काम पे तो नहीं पड़ रहा, एटलीस्ट मैं कहीं से ट्रस्ट मेरा कहीं से कुछ लूज नहीं कर रहा मैं उस पर, आई ट्रस्ट पेटीएम नॉर्मली जैसे मैं पहले करता था। मुझे इवेंचुअली ये लगता है कि इस चीज़ से कोई इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं पेटीएम के, मतलब एज अ बिजनेस हो सकता है उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़े, बट एज अ यूज़र मुझे नहीं लगता कोई उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि मैं तो यूजुअली अपना यूपीआई, जैसे मैंने बैंक अकाउंट लिंक कर रखा है तो मैं अपने बैंक अकाउंट पीएनबी से ही पेमेंट करता हूं सारे, मैं पेटीएम बैंक का कोई यूज़ मैंने कभी करा भी नहीं और ना मैं कभी करने वाला था, क्योंकि और मेरे सारे पेमेंट्स मैं अपने डायरेक्टली पीएनबी से ही करता हूं, तो वो इवेंचुअली चलेंगे वैसे के वैसे ही रहेंगे, तो उससे कोई इम्पैक्ट मुझे नहीं लगता पड़ेगा मेरे यूजेज पे। पेटीएम के ऊपर मुझे नहीं लगता कोई रिस्ट्रिक्शन होगा या उसके यूजेज में कुछ डिक्लाइन आना चाहिए। यूज़ करेंगे? हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि उससे पेटीएम से तो कोई मेरा मतलब ही नहीं है, मतलब बैंक अकाउंट मेरा सेपरेट है, पेटीएम इज जस्ट एन एग्रीगेटर फॉर पेमेंट्स बैंक। आई थिंक इट टोटली डिपेंड्स ऑन द लाइक सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज दैट इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग विच द आरबीआई हैज सेड, and this is a completely different thing, that is just a different segment of their business, right, not their complete business. So that is as time goes customers should get a sense of understanding that is a different thing and this is a different thing and this should not impact the business partners at all. I'd say that because payments mein koi problem nahi aani chahiye, wo Paytm bank that is a different thing, that was the whole initiative when they started that. That was an add-on, never the base itself, right? So, since we operate in a food market, I'll try to explain in that way. That was just an additional topping, not the pizza base. If I talk about pizza, right? That could be an olive or a capsicum, not the pizza itself. So it should not impact the whole thing. Around 75% payment हमारा online ही रहता है, 75-80% payment online ही रहता है, क्योंकि यहाँ पे students है mostly. एक तो cashless transaction आजकल बहुत ही easy हो गया है, so Paytm के through and एक मिनट में transaction भी हो जाता है, कोई खुलने का चक्कर नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये सारी चीज़ों की वजह से मतलब cashless transaction बहुत बढ़िया रहता है हम सबके लिए, easily calculation and हमारे जो भी budget है वो भी easily calculate हो जाता है। आपको ये पता है कि RBI ने जो action लिया Paytm bank के ऊपर, हाँ, तो क्या लगता है कि आपको impact पड़ेगा या trust अभी भी Paytm पे रहेगा, किस तरह से देखते हैं? यार actually trust तो है Paytm में, हम तो regular user ही है, ऐसा कुछ मैंने actually पढ़ा था वो चीज़, पर मेरे को इतना शायद फर्क नहीं पड़ा उतना बड़ा, मतलब मुझे बस ये चीज़ लगी कि मतलब कोई नीड तो नहीं लगी मुझे बड़ी एज अ पर्सन, मैं तो इन्वेस्टमेंट भी पेटीएम पे ही करता हूँ, सो पेटीएम मनी एंड ऑल, सो मैं तो रेगुलर यूजर हूँ पेटीएम का। और आपके जो कस्टमर्स आते हैं वो भी यूज करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, रेगुलर यूजर ही हैं पेटीएम्स के,
तो हमारे यहाँ पे तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जैसे मैंने बताया 80% रहता ही है, सो मेरे हिसाब से तो ठीक है। पेटीएम ने ही हेल्प करी है हमारी कोविड में भी हर चीज में, तो वो तो है ही, ट्रस्ट तो उस पे रहेगा ही रहेगा। ट्रस्ट करने के लिए अच्छा है, ऐसा तो कुछ फ्रॉड हुआ नहीं हमारे साथ अभी। डेली हम पेमेंट लेते हैं, हमारा पेमेंट अच्छा है, रिफंड करना होता है इजीली हम रिफंड कर सकते हैं और पेमेंट भी इजीली हो जाता है हमारा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आता ट्रांजेक्शन में किसी भी कस्टमर का और हमारा भी, तो अच्छा है, ठीक है। तो आप लोग अभी इसे कंटिन्यू करेंगे? हाँ अभी कंटिन्यू है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है हमें और कोई प्रॉब्लम फेस भी नहीं करी अभी तक ऐसी पेटीएम को लेके, पेमेंट्स को लेके। लेकिन आगे भी जिस तरह से देखते हैं जैसा होता है आगे, हमें भी पता चलेगा कैसा इम्प्रूव हो रहा है कि हमें क्या आगे यूज करना नहीं करना, वो डिपेंड करता है कैसे हमें आगे सर्विस मिलता है, कैसे सर्विस प्रोवाइड करते हैं। Just one clarification on, because the question came around the UPI apps. See, this particular action is against the payment bank. It's not to do with, not to be confused with the payment app, which is run, right? That's okay. We will clarify through the FAQs, but just to clarify in terms of your question, just as a supplemental information, that as an app is not impacted by this action.